हेलो एवरीबॉडी, दिस इज़ संदीप कुमार सा फ्रॉम GWP दुमका। कल से यानी कि मंडे से आपका एग्ज़ाम होने वाला है, फर्स्ट इंटरनल, वो भी ऑनलाइन तरीके से, यानी कि फर्स्ट ऑनलाइन इंटरनल एग्जामिनेशन सेमेस्टर सेकेंड एंड फोर्थ का, चाहे वो सिविल ब्रांच हो या ट्रिपल ई ब्रांच हो। आपके शेड्यूल आपको मिल चुके होंगे अब तक, आप व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू शेड्यूल ले सकते हैं, अदरवाइज़ आप मुझे भी मैसेज कर सकते हैं अगर आपको शेड्यूल नहीं मिली हो तो। अभी हम चर्चा करेंगे कि आप इस इंटरनल एग्ज़ाम को कैसे दे सकते हो, आपके लिए क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं, क्या वार्निंग्स हैं, और आपके लिए स्टेप बाय स्टेप मैं यहाँ पे समझाऊँगा, बताऊँगा कि आप कैसे टेस्ट को दे सकते हो। तो सबसे पहले आई थॉट कि सबके पास मोबाइल ही होगा और सब लगभग मोबाइल से ही टेस्ट देंगे लिंक के द्वारा, तो मैं मोबाइल के थ्रू ही एक डेमो टेस्ट दिखा कर या बना कर आपको दिखाऊंगा, और उस डेमो टेस्ट को आप भी दे सकते हो प्रैक्टिस पर्पस के लिए। यानी कि एक छोटा सा डेमो टेस्ट मैंने बनाया है, उस डेमो टेस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, अदरवाइज़ आप व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू भी ले सकते हो। तो उस डेमो टेस्ट के ज़रिए आप देख सकते हो या सीख सकते हो या समझ सकते हो कि आपको उसमें आने वाली प्रॉब्लम्स, यानी कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही है, आप उसको समझ पा रहे हो या नहीं पा रहे हो। बहुत ही आसान तरीका है और बहुत ही आसान तरीके से आप इसको फुलफिल करके दे सकते हो। तो सबसे पहला इंस्ट्रक्शन इस टेस्ट के बारे में यही है कि आपके पास एंड्रॉयड मोबाइल होना चाहिए, उसमें इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, और आप व्हाट्सएप ग्रुप के ज़रिए या किसी बायोमीडिया से आप हमारे साथ जुड़े हुए होना चाहिए आपको। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन यह है कि आप इस टेस्ट के लिए एलिजिबल तभी हो पाओगे जब आप हमारे दिए हुए लिंक से आप रजिस्टर्ड हुए होंगे। पहले कुछ दिन पहले 4 दिनों का एक टाइम पीरियड दिया गया था कि इस टाइम में आपको उस लिंक के द्वारा एक लिंक दिया गया था जिससे आपको ईमेल आईडी रजिस्टर्ड करना था। वैलिड ईमेल आईडी ही आपका रजिस्टर्ड होना चाहिए। अगर आपका ईमेल आईडी में ज़रा सा भी कोई स्पेलिंग एरर है या कोई भी सिंबॉलिक एरर है तो आपका लिंक जनरेट नहीं होगा। अभी देखते हैं हम लोग कैसे लिंक जनरेट करेंगे, क्योंकि आपके लिए, आप इस टेस्ट को कितनों ही भली भांति से जानते हो या समझते हो, आपको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए ताकि आप हर स्टेप को समझ सको, क्योंकि कुछ इसमें नया भी है, कुछ आपके लिए वार्निंग्स भी है, कुछ आपके लिए रिस्ट्रिक्शंस भी हैं, तो वो सब आप समझ जाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक डेमो टेस्ट के द्वारा हम दिखाते हैं कि कैसे आप जनरेट कर सकते हैं लिंक और कैसे आप इस टेस्ट को दे सकते हैं। तो सबसे पहले मैं, जैसे कि व्हाट्सएप ग्रुप के द्वारा मैंने एक मैसेज भेजा हुआ है या लिंक भेजा हुआ है, तो सबसे पहले मैं व्हाट्सएप ऑन करता हूँ। और देखिए यहाँ पे जैसे टीमीफाई नाम से, टीमीफाई.me नाम से एक लिंक जो यहाँ पे दिया हुआ है, इस लिंक को आपको व्हाट्सएप ग्रुप के द्वारा आपको मिल जाएगा। जब आपका टेस्ट होगा उससे 10 मिनट पहले ये लिंक आपको मिल जाएगा। अब जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो आपका जो भी रजिस्टर्ड है इस टेस्ट के लिए, सिर्फ उन्हीं के लिए ये वैलिड होगा। आपका ये पेज खुल के सामने आ रहा है, ऐसा इंटरफेस आ रहा है teamify.me का, ऑनलाइन इंटरनल एग्ज़ाम, सब्जेक्ट का नाम डेमो टेस्ट, क्योंकि डेमो टेस्ट के ज़रिए मैं बता रहा हूँ, आपका जो भी टेस्ट सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगे उस सब्जेक्ट का नाम यहाँ पे आपको शो करेगा। अब आपका यहाँ पे ईमेल आईडी जो भी आपने रजिस्टर्ड किया हुआ है, सेम वही ईमेल आईडी आपको यहाँ पे फुलफ़िल करना है, डालना है। चलिए मैं अपना ईमेल आईडी यहाँ पे एक डाल देता हूँ जो कि मैंने पहले से रजिस्टर्ड कर रखा है उसी लिंक के द्वारा जो कि आपको प्रोवाइड किया गया था। अब गेट योर लिंक पे जैसे मैं टैप करता हूँ तो मेरा एक लिंक यहाँ पे दिख रहा है, वी हैव सेंड एन ईमेल विथ योर लिंक, ये ईमेल आईडी, यानी कि इस लिंक पे मुझे एक लिंक सेंड हुआ है और उसी लिंक के ज़रिए मैं, तो चलिए मैं अपना ईमेल आईडी मैं ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे। ये देखिए मैं अपना ईमेल आईडी ओपन करता हूँ। अगर आपका यहाँ पे शो नहीं कर रहा हो वो लिंक, तो आप उसको ड्रैग कीजिए नीचे की ओर या तो रिलोड कीजिए किसी भी तरीके से, तो आपका यहाँ देखिए लिंक आ गया है teamify.me के नाम से, ऑनलाइन इंटरनल एग्जामिनेशन का। आप जैसे ही इस पर क्लिक करोगे आपका
इस तरह का इंटरफेस खुल के आएगा और यहाँ पे ओपन योर लिंक का ऑप्शन शो होगा। ठीक है, जैसे ही आप इस ओपन योर लिंक में टैप करोगे, आपका ब्राउज़र के थ्रू एक teamify.me का वेबसाइट खुलेगा और ये लिंक आपका यहाँ पे खुलेगा। अब इस पेज में आपका जो भी इंटरफेस है ये मैं समझा देता हूँ आपको। ऑनलाइन इंटरनल एग्जामिनेशन, आपका सब्जेक्ट का नाम दिया हुआ है, आपका ईमेल आईडी दिया हुआ है, वैलिड ईमेल आईडी दिया हुआ है। अभी मेरा टाइम यानी कि यहाँ पे जो दिख रहा है 5 मिनट्स, मैंने डेमो टेस्ट के लिए 5 मिनट सेट किया गया है, 5 मिनट सेट किया है। आपका जो भी सब्जेक्ट होगा उसका टाइम आपको एग्जामिनेशन से पहले यहीं पे देखने को मिलेगा कि कितना टाइम आपका मैक्सिमम टाइम कितना वहाँ पे दिया हुआ है, यानी कि आपको उस पूरे क्वेश्चन इंटायर पूरा सेक्शन को सॉल्व करने के लिए आपका कितना टाइम दिया हुआ रहेगा। हर सब्जेक्ट का अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस आपका वो टाइम वेरी करेगा। अब जैसे ही मैं ये देख लिया, मैंने यहाँ से आपका टाइम स्टार्ट नहीं हुआ है, ओपन द फॉर्म पर क्लिक करना है हमें। ओपन द फॉर्म, आप ये देखिए फॉर्म ओपन हो रहा है मेरा, अभी तक आपका टाइमर स्टार्ट नहीं हुआ है। सो हर एक स्टेप देखिए, देखिए अब आपका ये पेज खुल गया है और आपका टाइमर स्टार्ट हो गया, यानी कि जो काउंट डाउन होता है वो स्टार्ट हो गया है कि आपका ये 5 मिनट तक का टेस्ट है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे इस तरह का इंटरफेस खुल रहा है आपका सामने, आप देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट का बटन है, नेक्स्ट पे आप टैप करेंगे। अब आपका यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस हैं, आपके हर एक टेस्ट के लगभग सेम इंस्ट्रक्शंस होंगे, सिर्फ यहाँ पे नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस का अलग, अगर हैं तो अलग नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस रहेंगे और सब में एक मार्क्स रहेगा, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन का है। तो आप ये इंस्ट्रक्शंस अभी ही यहीं पे पढ़ लें, क्योंकि जब आप टेस्ट देंगे उस टाइम आप थोड़ा सा ज़रूर देखें इस इंस्ट्रक्शंस को। और इसके बाद यहाँ पे कीजिए क्लिक या टैप कीजिए, यहाँ आई हैव रीड द इंस्ट्रक्शंस, इसके बाद नेक्स्ट। याद रहे आप इस पूरे पोर्शन को सावधानी से फिलअप करें। अभी आपका आ गया है रजिस्ट्रेशन सेक्शन, यानी कि पर्टिकुलर टेस्ट के लिए आपको रजिस्टर्ड करना पड़ेगा। यहाँ पे नाम डालना पड़ेगा, नेम ऑफ द स्टूडेंट, मैं यहाँ पे नाम डालता हूँ, चलिए मैंने अपना ही नाम डाल दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे नीचे जैसे आता हूँ, योर क्लास रोल नंबर, रोल नंबर दिया हुआ लेकिन क्लास रोल नंबर डालना है, तो आपका रोल नंबर जो भी है यहाँ पे मैंने 22 डाल दिया, कुछ भी रैंडमली डाल दिया, लेकिन आप लोग अपना रोल नंबर डालना। इसके बाद पासवर्ड, ये आपका ऑफिशियल पासवर्ड है, ये आपको पासवर्ड ऑफिस से मिलेगा। तो याद रहे आपको ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप में आपको जब ये टाइम होगा, यानी कि जब आपका टेस्ट टाइम होगा, यानी कि 11 बजे से अगर होना है आपका टेस्ट, तो 11 बजे ही आपको ये पासवर्ड वहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा ताकि आप इसको फुलफिल कर पाओ। याद रहे कोशिश कीजिए इस लिंक को 11 बजे ही खोलने का, जो कि जब तक आप इस लिंक को ओपन करोगे आपका टाइमर तब से स्टार्ट हो जाएगा। अभी मैं इसका पासवर्ड डाल देता हूँ, 5 6 7 8 9, ये डेमो पासवर्ड है। ये पासवर्ड आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या व्हाट्सएप ग्रुप में जब आप इस डेमो टेस्ट को दोगे। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे आपका पूरा डेमो टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि डेमो टेस्ट के लिए आपका क्वेश्चंस आपका सामने दिखना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे आपके मार्क्स है 1 पॉइंट, यानी कि पहला क्वेश्चंस के लिए आपके पास 1 पॉइंट है। इसके बाद आप इसको सॉल्व करोगे, आपके पास कॉपी आपका होगा जो भी सामने, उसमें आप लोग सॉल्व करोगे। इसके बाद जो भी आपका सटीक आंसर लग रहा है आप उसको फिलअप करोगे, यानी कि यहाँ पे टैप करना है आपको। यहाँ पे देखिए, जैसे ये क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है x इक्वल टू 2 दिया हुआ है, देन x माइनस 2x इक्वल टू क्या होगा, आपको ऑप्शंस यहाँ पे जो भी है इसी में से कोई एक चूज़ करना है। तो चलिए हम यहाँ पे सही हो या गलत हो बिना सॉल्व किए यहाँ पे मैं गलत ऑप्शन ही मार देता हूँ, ठीक है, ताकि हम बाद में देख सकें कि मेरा मार्क्स में क्या वेरिएशन हुआ। अगर आपको लगता है कि ये गलत मैंने मार दिया, तो यहाँ पे क्लियर सेक्शन करके आप फिर से यहाँ पे सही ऑप्शंस पे टिक कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया, मैंने कोई भी एक ऑप्शन चूज़ कर लिया, आपको जो भी सही लग रहा है। याद रहे आपका टाइमर स्टार्ट है यहाँ पे, आपको इसी टाइम के अंदर में आपको टेस्ट देना है। नेशनल एंथम मैंने टिक कर दिया, नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया मैंने टिक कर दिया,
कोई भी आपको जो भी अच्छा लगेगा, नेशनल गेम, मैं कोई भी एक ऑप्शन ले लेता हूँ यहाँ से, सही या गलत ही ले लेता हूँ ताकि आपको भी समझ में आए। याद रहे ये वाला जो सेक्शन है सबमिशन आईडी, इसको आपको छेड़ना नहीं है क्योंकि ये आपका रजिस्ट्रेशन कोड है, आप इसको गलती से भी छेड़ना मत। इसके बाद आप देखो यहाँ पे जल्दी से आपका रेड लाइन जैसे स्टार्ट हो गया, आपको सबमिट कर देना है, अदरवाइज़ आपका टाइम जैसे ऑफ हो जाएगा वो आप सबमिट के लिए एलिजिबल नहीं रहोगे। आपको एनी हाउ इस टाइम में आपको सबमिट कर देना है। मैंने कर दिया सबमिट, तो यहाँ पे आपका गया थैंक यू योर फॉर्म वाज सक्सेसफुली सबमिटेड। अब आपको इसका स्कोर देखना है, दैट मीन्स अगर मैंने टेस्ट दिया ऑल ओवर टेस्ट, तो इस टेस्ट में मैंने कितना मार्क्स मिला मुझे। तो मैं जैसे इस पर टैप करूँगा, ये मुझे दिख रहा है कि 3/5 मार्क्स मेरा आया। अब मैं इसका रिव्यू भी कर सकता हूँ कि मेरा कौन सा क्वेश्चंस गलत हुआ, कौन सा सही हुआ। संदीप मेरा नाम आ गया, रोल नंबर आ गया, मेरा पासवर्ड वहाँ पे दिख गया। पहला क्वेश्चन मैंने सही दिया है, इसका आंसर सही होना चाहिए था। दूसरा क्वेश्चन मेरा शायद गलत हो गया है, नन ऑफ द एबव में कर देना चाहिए था, लेकिन इसका करेक्ट आंसर आपका नीचे दिखाया गया है कि वंदे मातरम यहाँ पे होना था इसका सही आंसर, बट मैंने यहाँ पे गलत पे टिक कर दिया, तो उसके मार्क्स हमारे नहीं जुटेंगे। अभी थर्ड नंबर में मैंने सही दिया है, ऑप्शन सही आया है। फोर्थ नंबर में मैंने सही दिया है, फिफ्थ नंबर का मैंने फिर से गलत कर दिया है, जबकि इसका ऑप्शन बी होना चाहिए था और इसको मैंने छेड़ा नहीं था और इसको छेड़ना भी नहीं है। तो ये आपका एक कंप्लीट टेस्ट हो गया, ये आपका टोटल। आप इसके बाद आप इसको दोबारा ना दे सकते हैं और ना ही इसको एडिट कर सकते हैं। अब आपके लिए इम्पॉर्टेंट कुछ वार्निंग्स है कि आपको क्या क्या इसमें वार्निंग्स के रूप में आपको क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है। दैट मीन्स आपके पास जो भी, आप जहाँ भी बैठे हो यानी कि इंटरनल एग्जामिनेशन दे रहे हो, तो आपको जैसे कि आप लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए आप स्टडी कर रहे हो या कहीं भी मीटिंग कर रहे हो, तो आपको वीडियो मॉनिटर्ड किया जाता है, उसी तरह आपको भी वीडियो मॉनिटर्ड किया जाएगा। यानी कि आप मोबाइल कौन सा यूज़ कर रहे हो, आप मोबाइल के अंदर में कौन सा क्या टाइप कर रहे हो, कहीं दूसरा कोई वेबसाइट से चेक इन तो नहीं कर रहे, या आप सामने बैठे हो, आप किसके साथ बैठे हो, तो ये सब आप लोगों के लिए वार्निंग्स है कि आप गलत कोई भी वैसा एक्टिविटी आपका उस क्षण आपको एलिमिनेट कर सकता है पूरा टेस्ट से। एलिमिनेट मीन्स आपके मार्क्स ज़ीरो हो जाएंगे एट ए टाइम, यानी कि हम लोग उसको वेरीफाई करके देखेंगे कि सब पूरा सही है तो वो सही है, अदरवाइज़ आप वहाँ से एलिमिनेट हो जाओगे, तो आपका वहाँ पे एब्सेंट काउंट नहीं होगा, आपके मार्क्स वहाँ पे वैलिड मार्क्स ज़ीरो हो जाएंगे। तो ये था आपका टेस्ट, आपने यहाँ पे जो भी इंस्ट्रक्शंस दिया हुआ है इसको भी पढ़ा होगा पहले ही, और टोटल जितना भी थिंग्स है इसी तरह आपको देना है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जाकर चेक कीजिए, आपको मिल जाएगा इसका लिंक, आप जाके इसको टेस्ट दीजिए। आपको रजिस्टर्ड होना बहुत ही ज़रूरी है, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि अगला जो भी इंस्ट्रक्शंस होगा इसी चैनल के माध्यम से आपको दिया जाएगा। तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, रेड सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। कर दिया, ओके। अब हम चलते हैं कि इसका टेस्ट टाइमिंग डिफरेंट सब्जेक्ट्स के डिफरेंट होगा, तो वो जैसा कि 5 मिनट्स का यहाँ पे था, उसी तरह से फिर यहाँ पे भी आपका जैसे 20 क्वेश्चंस होंगे, तो उसके लिए आपके सब्जेक्ट के अनुसार, जैसे मैथ में एक क्वेश्चंस में आपके 3 मिनट्स लग रहे हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको 60 मिनट्स दिए जाएंगे या 65 मिनट्स दिए जाएंगे या 1.5 घंटे दिए जाएंगे, जितने भी मिनट्स दिए जाएंगे हर सब्जेक्ट के आपके अलग अलग होंगे। तो ये था पूरा आपका डेमोस्ट्रेशन। आपको इससे रिलेटेड और भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो आप लोग नीचे कमेंट कीजिए, या फिर व्हाट्सएप ग्रुप से संपर्क कीजिए, या पर्सनली मैसेज करके पूछ लीजिए। जितने भी यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस हैं या जो भी आपका तरीका है, डेमो टेस्ट दे के आप लोग ज़रूर सीख लीजिए। आप एक बार, 2 बार, 3 बार, जितनी बार आप चाहे उस डेमो टेस्ट को दे सकते हैं, प्रोसीड्योर आपका सबका सेम रहेगा। थैंक यू सो मच। आप लोगों को कोई और भी प्रॉब्लम्स या कोई और क्वेरी हो तो आप हमें व्हाट्सएप ग्रुप में संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी वेरी बेस्ट।